विज्ञान भवन के अंदर जो आज सेमिनार दो दिन का चल रहा है और जो अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कानून के ज्ञाता हैं और जहां से पूरे भारत को चलाया जाता है और जब बात समझ में नहीं आती है सुप्रीम कोर्ट में दे देते हैं, हाई कोर्ट के अंदर दे देते हैं, ऐसी शख्सियत मनोज गोरखेला जी हमारे बीच में हैं। आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि आज जो दो दिन का सेमिनार है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। सर, आज जो सेमिनार है विज्ञान भवन के अंदर, यहाँ बड़ी बड़ी दिग्गज हस्तियों ने यहाँ भाग लिया और आप भी उसी में हैं, और जो आज का जो वातावरण है, जो एक चल रहा है कानून के तहत, आप कानून के ज्ञाता हैं, तो उस संदर्भ में आप कुछ बात कहें। एक्चुअली आज सबसे पहले तो SM न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई और उनके ऑर्गेनाइजर्स को, क्योंकि आपके वजह से ही आप हमारे आज तक हो, आप हमारे NDTV हो, आप लोग पूरे देश में मैसेज पहुँचा रहे हो, इस देश के 40 करोड़ लोगों को मैसेज पहुँचा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आपको सब सत नमन। और आज का जो प्रोग्राम था वो आज राष्ट्रपति जी इस प्रोग्राम में आए, ये भारत का पहला एक अद्भुत प्रोग्राम था जिसमें राष्ट्रपति जी ने कहा, खुद कहा कि 3 दिन कंटिन्यूअस कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया और उसमें जो है संविधान के बारे में बोला गया। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा ये कहना है कि राष्ट्रपति जी ने एक बात बोली थी, बहुत बड़ा पहले ये देखना चाहिए, प्रोग्राम तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उस प्रोग्राम का रिजल्ट क्या निकला वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका रिजल्ट क्या, आउटपुट क्या निकलता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आउटपुट इन प्रोग्रामों ये निकला है कि एक बार राष्ट्रपति जी ने खुद कहा है कि जो ST SC की जो पोस्ट हैं वो भरी नहीं गई हैं, ना हाई कोर्ट में भरी गई हैं और सुप्रीम कोर्ट में नहीं भरी गई हैं, और महिलाओं और ST SC की पोस्टें भरी जानी चाहिए। ये बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, जो आने वाले भविष्य के चीफ जस्टिस हैं और सुप्रीम कोर्ट जजेस के सामने, ये बात कहना बहुत बड़ी बात है, इसके लिए हम राष्ट्रपति जी को सत सत नमन करते हैं। दूसरी बात, आज ये 2 दिन का सेमिनार रखा गया, इसमें देश के बाबा साहब ने कहा था, मेरे संविधान को अगर आगे न ले जा सको तो पीछे मत लाना। तो हमें सिर्फ संविधान में, जो बाबा साहब ने, आज बाबा साहब को पूरी दुनिया इसलिए मानती है, मैं एज अ लॉयर, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर होने के नाते, स्टैंडिंग काउंसिल होने के नाते, सरकारी वकील होने के नाते, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ करोड़ों लोगों को, आज बाबा साहब को पूरी दुनिया इसलिए ज़्यादा मानती है क्योंकि उन्होंने भारत का संविधान में जो आर्टिकल दिए हैं, जो संविधान के अनुच्छेद लिखे हैं, जिन अनुच्छेदों में ये नौकरी, सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी है, प्रमोशन में रिजर्वेशन है, और इस तरह के और भी जो कमीशन बनाया गया है, जितने भी राइट दिए गए हैं ST SC के, इस वजह से 5000 सालों की गुलामी बाबा साहब ने खत्म कर दी भारतवर्ष में। और अब ये देखना है कि आज अगर हम संविधान दिवस मना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं, तो क्या हम अपने संविधान को आगे ले गए, पीछे ले गए, इस पर मंथन करने की जरूरत है। और मेरा ये मानना है कि हम अपने संविधान को बहुत पीछे ले गए हैं और उसको आगे ले जाने की जरूरत है। पीछे कैसे ले गए, बैकलॉग, जो बाबा साहब ने कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में नौकरियां दी जाए, बैकलॉग भरा नहीं गया, बहुत बुरी हालत है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो पहला बात संविधान के दिवस की यह है कि बैकलॉग भरे जाने चाहिए, इस बात पर मंथन होना चाहिए, इस बात पर सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेटर लिखा जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट यह है कि जो कंपनी एक्ट बनाया गया 1956, जिस दिन बाबा साहब हमें छोड़ के गए उसके बाद कंपनी एक्ट बनाया गया, और कंपनी एक्ट में जितनी भी पोस्ट हैं वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन का खुद वायलेशन है, इसलिए कंपनियों में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा संविधानिक डिस्कशन है, कॉन्स्टिट्यूशन डे का डिस्कशन है दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये है कि आज तक सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल कोई नहीं बना, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नहीं बना, 1950 से लेकर आज तक कोई एडिशनल एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट में नहीं बना। तो आज क्यों, जब सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल एडवोकेट जनरल नहीं होगा, जब सुप्रीम कोर्ट में कोई एडवोकेट जनरल, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नहीं होगा, तो इस देश में ST SC जो 40 करोड़ है उनकी बात कौन रखेगा सुप्रीम कोर्ट के सामने। और सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट दो जगह है जहां पर लॉ का इंटरप्रिटेशन होता है, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम कोर्ट में इंटरप्रिटेशन होता है, पार्लियामेंट लॉ बनाती है, तो इन दोनों जगहों पर जो होना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो होना, वो प्रॉपर। बाबा साहब ने खुद कहा कि मैं लॉयर नहीं होता अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करता 15 साल तक, तो मैं भारत का संविधान नहीं लिख सकता था, उतनी बहस नहीं कर सकते थे पार्लियामेंट में। तो मेरा ये कहना है जो पार्लियामेंटेरियन है वो लॉजिकल बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन में जो राहत दिए हैं ST SC को उनसे रिलेटेड बात करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सुप्रीम कोर्ट में भी जो रिप्रेजेंटेशन है, हाई कोर्ट जजेस बनने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जो रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट लॉयर का, वो गवर्नमेंट को ST SC जजेस, हाई कोर्ट जजेस बनाने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जजेस बनाने चाहिए, ST SC सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाने चाहिए, ताकि वो इस देश में प्रॉब्लम रख पाएं। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं ST SC के, ये 2 दिन में डिस्कशन किए जाएंगे। और इस प्रोग्राम का लीगल एडवाइजर होने के नाते, इस ऑर्गेनाइजेशन का लीगल एडवाइजर होने के नाते, हम लोग सारा कंपाइलेशन कर रहे हैं, देश के बुद्धिजीवी लोग आ रहे हैं, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, जो देश चलाते हैं वो लोग इस पर चर्चा करेंगे, बहस करेंगे, और उसको कंपाइलेशन करके हम राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री जी को, और देश के कोशिश करेंगे सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पहुंचाया जाए, ताकि जो प्रॉब्लम बाबा साहब का जो सपना है, भारत का संविधान है, उसको आगे ले जा सकें, ये हमारा मिशन है। गोरखेला जी, वो आपने अभी सारी बातें रखी, गोरखेला जी, एक होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपना कानून पास कर देता है, अपना जजमेंट पास कर देता है, फिर उसको लागू नहीं किया जाता है,
तो इसका मुख्य कारण क्या है जो लागू नहीं होता? जैसे कि अभी आपने देखा होगा एक सहारनपुर के अंदर कांड हुआ और एडवोकेट चंद्रशेखर की जमानत हो गई, फिर उसके बाद में न जाने किन कारणों पर उस पर रासुका लगा दी गई। हाँ, एक्चुअली क्या है कि इस देश में जो भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो जजमेंट देती है अगर वो पालन नहीं होता तो कंटेम्प्ट फाइल करना चाहिए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश में एसटीएससी कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर नहीं है। इस देश में एसटीएससी अगर आप सुप्रीम कोर्ट में देखें, हाई कोर्ट में देखें, कोई लीडिंग लॉयर नहीं है जिसके इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत हाई लेवल की हो, जो लॉ का ज्ञाता हो। ऐसे लॉयर हमने आईएएस दिए, आईपीएस दिए। मुझे आज ये बताइए सुप्रीम कोर्ट में कितने लॉयर हैं, आप बताइए कितने लीडिंग लॉयर हाई कोर्ट में हैं। तो मेरा ये मानना है कि अच्छे लॉयर, परफेक्ट लॉयर, एक्सपीरियंस लॉयर न होने के वजह से हम लोग उसका इंटरप्रिटेशन जजमेंट जो आता है उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। और अगर कोई जजमेंट हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट देता है अगर वो पालन नहीं होता तो कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करनी चाहिए। और यही रही बात राशुका की, चंद्रशेखर जी वाला मामला है मेरे पास, ये मामला अगर जिस दिन आएगा, ये फाइल मेरे पास जिस दिन आएगी, मैं अपनी पूरी जितनी मेरे अंदर बॉडी के अंदर ब्लड है मैं पूरा ब्लड लगा के उस व्यक्ति को जस्टिस दिलाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास अभी तक कोई फाइल नहीं आई, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आया। और रासुका मैं तो कहता हूं जो एफआईआर हुई थी उस एफआईआर को क्वेश्चनिंग के लिए हाई कोर्ट में जाना चाहिए, 482 में, वहां से क्वेश्चनिंग नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। तो इस वजह से चंद्रशेखर को बेल मिल सकती है या जो भी होगा, जब तक मेरे पास वो डाटा नहीं आए, जब तक वो एफआईआर की कॉपी, जब तक मैटर नहीं आएगा। कई लॉयर ने मुझे बोला कि गोरखेला जी आपके पास वो मैटर लेके आ रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं आया। अगर मेरे पास ये मैटर आएगा तो मैं जितने मेरे पास लॉयर हैं, मेरे पास बहुत बड़ी लॉयर की टीम है, पूरी जितनी मदद होगी मैं पूरी मदद करूंगा चंद्रशेखर जी की। और एक लॉयर के होने के नाते मुझे हर उस व्यक्ति की मदद, उसको जस्टिस दिलाना चाहिए जिसके जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद।